वज़ीर आज़म साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने उन फैसलों का ऐलान किया, तो उनकी वजूहात क्या हैं और किस तरह माशरे में ज़िंदगी के तवातर को जारी रखने के लिए और साथ ही साथ इस चैलेंज से नमुर्दोजमा होने के लिए कि जो हमें दरपेश है इस वक्त एक बहुत बड़ी एमरजेंसी की सूरत में, तो उसमें हमारे सामने क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या कंसिड्रेशंस हैं कि जिनको मद्देनज़र रख के ये फैसले किए जा रहे हैं। कल आपके सामने मेरे कुलीग हमाद अज़हर साहब ने कुछ सनतों के बारे में बताया था कि जिनको मज़ीद खोला जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में बड़ी तफसील के साथ इस बात पे ज़ोर देते हुए इसका ये बात समझाई थी कि किस तरह इन सनतों के खोलने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ बदहतियाती शुरू कर दें या जो हदायत दी गई हैं उन पे अमल ना करें, या ये कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो पुरखतर भी हो सकती है, अमवात भी बढ़ सकती हैं, केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया था कि यकीनन हमारे तखमीनों के मुताबिक तो केसेस और अमवात कम हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जब हम उनका मुकाबला करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ तो बहुत कम है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम किसी तरह भी एहतियात का दामन जो है उसे छोड़ दें। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए जिन सनतों का कल ऐलान हुआ खोलने का, उस हवाले से कल भी बात हुई थी, लेकिन हमें काफ़ी इस सिलसिले में ईमेल्स भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि जी ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए यानी कारखानेदारों के लिए और दुकानों के ऊपर जहाँ ये चीज़ें बिकनी हैं, जहाँ ये चीज़ें बननी हैं, और तामीराती शोबे में भी यानी कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी, काफ़ी दफ़ा हमने इसका जिक्र किया जी कि हमने इस सिलसिले में अपनी गाइडलाइंस मुरतब किए हैं। तो सवाल ये थे कि आज के ये गाइडलाइंस कहाँ हैं, ये किसने बनाई हैं, ये कैसे बनी हैं और इनका मतन क्या है। तो मैं बहुत इख्तसार के साथ, क्योंकि वक्त कम होता है, आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ जी कि ये गाइडलाइंस के बनाने का जो अमल है ये वफाकी वजारत सेहत इस पे माहरीन के मशवरे के साथ और आलमी अदारा सेहत और दूसरे ऐसे बड़े अदारे जो दुनिया में हैं जिनकी बात बड़ी मुस्तनद मानी जाती है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो उनकी गाइडलाइंस को सामने रखते हुए और अपने मुकामी माहरीन की राय को सामने रखते हुए ये गाइडलाइंस मुरतब की जाती हैं। और पाकिस्तान में ये सारी गाइडलाइंस जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से, ये हमारा जो स्पेशल प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है वजारत सेहत की वेबसाइट से मुंसलिक, जिसका के एड्रेस है covid.gov.pk, तो वहाँ पे तमाम हमारी गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिनको SOPs कहते हैं और प्रोटोकॉल्स, ये सब वहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर्स और शॉप्स। अच्छा, इसका ये भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसमें बुनियादी तौर पे वो तमाम एहतियातें कि जो हम आम तौर पे लोगों को बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या समाजी मेल जोल के हवाले से हमें ब्रुए कार लानी चाहिए ताकि हम इस बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बन सकें, तो उन्हीं असूलों की बुनियाद पे ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। मसलन अगर दुकानों के बारे में हम गाइडलाइंस की बात करें तो वहाँ पे इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि सबसे पहले ये कि वहाँ पे हजूम ना लगे, वहाँ पे जो दुकानदार सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हों, वहाँ पे जो गाहक हैं उनकी स्क्रीनिंग करके अंदर वो जाएं, वहाँ पे चंद एक गाहकों की डिपेंडिंग अपॉन के दुकान का साइज़ क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाहक इकट्ठे ना हो जाएं। तो मतलब ये कि ऐसी एहतियातें कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से
आपको बताते रहते हैं उन्हीं का इतलाक है दुकानों की सूरत में, उन्हीं का इतलाक है कारखानों की सूरत में और उन्हीं का इतलाक है कंस्ट्रक्शन की सूरत में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसमें थोड़ा सा हम इन गाइडलाइंस के अंदर ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी बात करते हैं कि मसलन दुकानदारों के हवाले से दुकानदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उन्होंने किन चीज़ों को यकीनी बनाना है। इसी तरह वहाँ पे जो गाहक हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ और उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। मसलन अगर कोई बहुत रश है और अगर आपने कतार बनानी है तो कतार के में लोग जो खड़े हैं उनके दरमियान एक मुनासिब फासला होना चाहिए। इसी तरह कारखानों में जो एम्प्लॉयर्स हैं या कारखानादार हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए क्या क्या वहाँ पे एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको यकीनी बनाना है, और इसी तरह जो मुलाजमीन हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यकीनन इसमें एक चीज़ ये मद्देनज़र है कि हम उन सनतों को, उन दुकानदारों को और उन कंस्ट्रक्शन की उन इकसाम को पहले मरहले में इजाज़त दे रहे हैं कि जो हमारे ख्याल में निस्बतन लो रिस्क हैं, और एक तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं और दूसरे फिर इस बात पे जोर देते हैं कि उनके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसीज़ हैं या सफाई सुथराई के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ये गाइडलाइंस तफसीलन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर लें और इनको अपने अपने तनाजुर में, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी सेटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें। दूसरे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक मैकेनिज्म है। कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी जो दुकानदार हैं या कारखानादार हैं या वो लोग जो ठेकेदार हैं जो अपनी ये इमारतें बनवा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो अपने मुलाजमीन की सेहत का कोविड 19 के हवाले से ख्याल रखते हुए उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो ऐसे इंतज़ाम करें, और इस हवाले से उनको अगर वो नहीं करेंगे तो उन वो इसके लिए जवाबदेह भी हैं, क्योंकि ये एक कंडीशनल इकदाम है। इसके साथ ये शर्त आयद की गई है कि ये सनतें इसलिए खोली जा रही हैं कि एक तो लोगों को रोज़गार मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हों, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे हालात में वहाँ पे काम करें कि जहाँ बीमारी के फैलाव का सबब न बने बल्कि उसके ऊपर कंट्रोल कायम रहे। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको चंद एक अदाद व शुमार भी बताना चाहता हूँ। दुनिया में तो अब ये 20 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, तकरीबन 20,05,000 के करीब, तकरीबन 1,27,000 के करीब डेथ्स हैं और तकरीबन 4,85,000 के करीब लोग मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 73,439 टेस्ट्स हो चुके हैं जी, और इनमें से जो पॉजिटिव अब तक आए हैं वो हैं 5,988। इनमें पिछले 24 घंटे में 272 का इजाफा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बड़ी एक अहम बात बताना चाहता हूँ और इसके लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमने जो वजारत सेहत ने मुख्तलिफ माहरीन की मदद के साथ जो तखमीने लगाए थे जिसको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहते हैं, उसके तहत अगर हम तवक्को ये कर सकते थे कि आज के दिन हमें 18,000 से ज़्यादा भी केसेस पाकिस्तान में हो सकते थे जो कि तकरीबन 6,000 के करीब हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें हुकूमती इकदाम भी हैं, आप लोगों की एहतियातें भी हैं और मुख्तलिफ जो दीगर इकदाम किए गए उनका भी असर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कई शायद ऐसे अवामिल भी हैं जिनकी हमें अभी समझ नहीं है, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। लेकिन जो रुझान है इसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कोशिशें जो हैं मुकम्मल तौर पे जारी रखें, बावजूद इसके कि बतदरीज हम मुख्तलिफ सनतों को खोल रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे में 272 केसेस ऐड हुए हमारे कन्फर्म्ड केसेस में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो उसमें पंजाब में
इन 272 में से 119 हैं, यानी सबसे ज़्यादा। और उसके बाद केपी में उसके बाद सिंध में 66 और केपी में 65 और इस्लामाबाद में 9, जीबी में 1, बलूचिस्तान में 9 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 3। इसी तरह जो एक अच्छा स्टेटिस्टिक है वो ये है कि तकरीबन 1500 के करीब अब लोग जो हैं पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 44 लोग हैं जी आज जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के हस्पतालों में क्रिटिकल सूरत हाल में हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं और अल्लाह उनको सेहत दे और आने वाले दिनों में जो अमवात हुई जी पिछले 24 घंटे में उनमें 11 का इजाफा हुआ और मकम्मल जो काउंट है हमारा वो अब 107 हो गया, यानी कि थ्री फिगर्स में चली गई हैं हमारी डेथ्स, 100 से ज़्यादा हो गई हैं, 107। यहाँ मैं आपको अगेन ये आपको बताता चलूँ कि जो हमारा तखमीना था आज के रोज़ वो तकरीबन 216 डेथ्स मतवक्को थीं आज के रोज़, जो कि अब 107 हैं। अगेन अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए। लोकल जो ट्रांसमिशन है जी वो अब एक कहना चाहिए कि डोमिनेंट है पाकिस्तान में, तकरीबन 54 फ़ीसद जो लोग बीमार हो रहे हैं वो उनको एक दूसरे से मुकामी सतह पे बीमारी लग रही है। वो अब जो शरह थी उन लोगों की कि जो बाहर से अपने साथ ये वायरस ला रहे थे वो उसमें बतदरीज कमी आ रही है। पाकिस्तान में आज के रोज़ 16,387 लोग हैं जी मुख्तलिफ क्वारंटाइन्स के अंदर और इनमें से जो पॉजिटिव अब तक आए हैं उनमें 3,047 जो कि 18% बनते हैं और जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 82% जो हैं वो नेगेटिव भी हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल चूँकि अब मैंने आपको बताया कि 44 लोग वेंटिलेटर्स में हैं तो शरह अमवात कुछ बढ़ भी सकती हैं। केसेस जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह का रुझान हम देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों के अंदर, अल्लाह करे कि ये इससे भी कम हो जाए। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और उन तमाम एहतियाती तदाबीर को बरूए कार लाते रहें कि जिनके बारे में आपको मुतअद्दद दफ़ा बताया जा चुका है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीरे आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो हैं मोईद यूसुफ साहब के, वो आपको बॉर्डर्स के बारे में सूरत हाल बताएँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अपडेट दी थी अपनी पॉलिसी के हवाले से कि ये जो इनकमिंग फ़्लाइट्स जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं वापस आना चाहते हैं उनके सिलसिले में हमने कल ये गुजारिश की थी कि हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी ये बात इसको फोकस किया था कि हमें मालूम है और एहसास है कि वो मुश्किल में हैं, जल्द आना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उनको ला सकें लाएं। आज मैं थोड़ी सी वजाहत से आपको इस पॉलिसी का भी बताना चाहता हूँ क्योंकि वक्तन फवक्तन सवालात आते रहते हैं कि किस पॉलिसी के तहत या क्या मंतक है जिसके तहत हम पाकिस्तानियों को वापस ला रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है और क्यों नहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूं और एक आध गुजारिश आपके सामने आज रखना चाहता हूं इस हवाले से। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि हमारा इस वक्त लगभग 2000 जो हैं पाकिस्तानी वो आ रहे हैं इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते भी आए हैं। पिछले हफ्ते एक एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद पे, अब हमने 6 पाकिस्तान के एयरपोर्ट खोल दिए हैं बाहर से पैसेंजर्स के लिए। लेकिन हमारा ये 2000 का नंबर ये इसलिए है कि हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है, जो पैसेंजर्स आते हैं हर एक को टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं ये वबा शुरू में बाहर से ही पाकिस्तान आई थी, हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इनके कॉलीग्स उनका ये कंसेंसस है कि जो पैसेंजर बाहर से आ रहा है उनको हमने टेस्ट करना है। तो इस वक्त हम रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 3,000 टेस्ट पूरे मुल्क में कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों के जिन जिनका हमने टेस्ट किया। तो जितने टेस्ट हम बाहर के पैसेंजर्स के कर
کرتے ہیں اتنے کم ہمارے اندرونی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری ساری جو تگ و دو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی بڑھائیں تاکہ روزانہ ہم 3, 6, 9, 12, 15, 18,000, 20,000 ٹیسٹ کر سکیں پھر ہماری یہ رفتار باہر سے آنے والے پاکستانیوں کی بڑھتی جائے گی دوسرا ہمارا جو کنسٹرینٹ ہے جو رکاوٹ ہے اس کو نمبر کو تیز بڑھانے میں وہ ہے ہماری قرنطینہ کی کیپیسٹی کہ جہاں جہاں ایئرپورٹ ہے اس شہر میں کتنے ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے کہ جو پیسنجر آئیں ان کو ہم وہاں رکھ سکیں ٹیسٹ کے بعد اور پھر ان کی صورتحال کے مطابق ان کو یا گھر بھیج دیں اور یا ان کو وہاں مزید رکھیں تو یہ دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے بدستور اضافہ ہو رہا ہے کیپیسٹی میں لیکن یہ آہستہ آہستہ پروسیس بڑھے گا تو پہلے تو میں آپ کو یہ منطق سمجھانا چاہتا تھا کہ جو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے اتنے پیسنجر آ سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اب کل ہم نے یہ بھی وزیراعظم صاحب کی صدارت میں فیصلہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اس 2000 کے نمبر کو 6,000 سے 7,000 پہ لے کے جانا ہے اگلے ہفتے سے تو یہ 3 گنا بڑھ جائے گا اگلے کچھ دنوں میں 19-20 اپریل کے بعد سے تو یہ جو 3 گنا جمپ ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہماری کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے لیکن کچھ ٹیسٹ ہم وہ بھی کریں گے جو اندرون ملک یہاں پاکستانی مقیم ہیں ان پہ جو ہو رہے تھے کچھ اس میں سے یہ ڈائیورژن بھی آئے گی لیکن کیونکہ ہماری کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہم دونوں کو مینج کر سکیں گے 6,000 سے 7,000 پیسنجر اگلے ہفتے سے اب میں آپ کو یہ بھی دوبارہ سے یاد دہانی کرا دوں کیونکہ نیچرلی اس پہ بات ہوتی ہے جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے واپس آئے تو کچھ ممالک سے ہم لوگ لا رہے ہیں کچھ سے نہیں لا رہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیے ہم نے شروع میں کچھ پروازیں اڑائیں پی آئی اے کی برطانیہ اور کینیڈا وہاں پہ کچھ لوگ ہمارے اسٹرینڈڈ تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے اب اس ہفتے جو لگ بھگ 2000 لوگ آ رہے ہیں میں ان کی تفصیل بھی آپ کو ابھی دوں گا تاکہ ہم ٹرانسپیرنٹ رہیں اور ہماری شروع سے یہ کوشش ہے کہ جو کچھ آپ کو بتا سکیں وہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں تو دیکھیے پہلے ہمارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو متحدہ عرب امارات میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ان کی وہ مزدور ہیں جو وہاں گئے ہوئے تھے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں یا ان کی وہ جو نوکریاں ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں ان کے پاس کوئی وسائل قیدی ہیں نے جو ہمارے قیدی کئی ممالک میں تھے متحدہ عرب امارات نے عمان نے اس طرح وہ قیدی جو ہیں ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں ان کو فوری طور پر واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ زائرین ہیں جو ابھی رہ گئے تھے ان کو لا رہے ہیں ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے لیے وہاں قانونی مسئلہ بن رہا ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب سمجھ لیں کہ ایک منطق ہے ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جس کے تحت ہم جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت میں ہیں ان کو پہلے لا رہے ہیں تمام پاکستانیوں کو واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ایک پرائیورٹی پروسیس کے تحت چلے گا اور آخری پرائیورٹی پہ میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں ہمارا کوئی جہاز گیا ہے یہاں سے لوگوں کو لے کے بہت سے ممالک ہیں جو اس وقت پی آئی اے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہری یہاں سے لے جائیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہ پی آئی اے کو اخراجات دیتے ہیں دونوں طرف کا کئی دفعہ کرایہ دیتے ہیں پی آئی اے جاتا ہے ان کے وہاں پہ شہری جو ہیں وہ چھوڑ کے جب خالی جہاز واپس آ رہا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر ان ممالک میں یا ان کے ارد گرد کوئی ممالک میں پاکستانی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں جہاز ہے ان کو بھی واپس لیتے آئیں اب کئی ایسے بھی ممالک ہیں جہاں سے ہمارے جہاز واقعی خالی واپس آ رہے ہیں اس کا منطق یہ ہے کہ جب 2000 کی کیپیسٹی ہے تو وہ 2000 پرائیورٹی پہ جب ہمارے پورے ہو جاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایک تفصیل سے لسٹ بتائی تو پھر وہ جہاز خالی آتے ہیں اور ان میں پیسنجر نہیں آ سکتے تو یہ ایک پورا پلان ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں اور جلد ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویب سائٹ بھی بنا دیں جہاں پہ ساری انفارمیشن ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے ہو اب میں آپ کی گزارش میں 2 اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور پہلی بات میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ بہت اہم بات ہے ہم اب جو پاکستانی واپس لا رہے ہیں ان کو کوارنٹائن کرنا ضروری ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا وہ ایک پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں جو پیسنجر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہوٹل کی فیسلٹی دی جائے قرنطینہ کے لیے ان کو اپنے اخراجات خود اٹھانے ہوں گے ریاست کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ واپس لا کے ہوٹلوں میں رکھے جائیں اور ان کے اخراجات بھی اٹھائے جائیں
तो आपसे गुजारिश है, आपको हम ये पहले से बता रहे हैं जब आप आ रहे हैं सफ़र कर रहे हैं, अफसोस से मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि मुसाफिरों ने यहां आके होटल में जाके और फिर वहां पे अपने अखराजात उठाने से इनकार किया है। इससे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। जो वसाइल रखते हैं हमारे शहरी, मैं फिर इल्तिजा कर रहा हूँ कि बर्डन ना बनिए अपनी हुकूमत पर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर। जो लोग ये ख़र्चा नहीं उठा सकते उनके लिए हुकूमत के करंटीना के सेंटर मौजूद हैं और उनको वो पूरी ऑप्शन है कि वो वहां जाके बगैर किसी खर्चे के रहें। लेकिन अगर आप प्राइवेट फैसिलिटी चूज करेंगे, होटल चूज करेंगे, तो वो अखराजात आपको बरतने होंगे। ये कानूनी तौर पे हमने लाजिम कर दिया है आइंदा से। एक मैं आपको और ये बात वाजे कर दूं कि ये पॉलिसी तब्दील हुई है, होती रहेगी। कितने लोग आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते, कितने सेंटर मौजूद हैं करंटीना के, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। हमारे पास डेटा आता है, पिछले हफ्ते हम 2000 पैसेंजर लाए, सारा डेटा एनालाइज किया, बदकिस्मती से कुछ लोग उसमें पॉजिटिव थे कोरोना के, टेस्टिंग इसलिए जारी रखी गई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये रिव्यू करेंगे, वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। और देखिए, हमारी ख्वाहिश यह है कि कोई भी टेस्ट ना हो, कोई भी करंटीना में ना जाए, पैसेंजर सीधा अपने घर चला जाए, लेकिन ये इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि फैलाव का जरिया बन सकते हैं कोरोना का, इस वक्त जो बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे पॉलिसी इवॉल्व होगी, हम नए उसके रूल्स और कानून आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो फिल वक्त पॉलिसी है वो तमाम लोगों को उसको फॉलो करना होगा। इसमें हम किसी एग्जेम्पशन की, किसी एक्सेप्शन की इजाजत नहीं दे सकते, चाहे कोई अमीर शहरी है या गरीब शहरी है। अब मैं आपको सिर्फ यह बता दूं कि इस हफ्ते, कल जो गुजर गई 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, हमारे जो पैसेंजर आ रहे हैं, एक हमारा जहाज जापान गया हुआ था, खाली वापस आ रहा था, इसलिए हमने जापान और थाईलैंड से उसमें लगभग 270 लोग हम वापस लेके आए हैं। कल दुबई से हमारे कोई लगभग 360 कैदी जो हैं वो कल और आज वापस आ जाएंगे। इसी तरह जायरीन सऊदी अरब से तकरीबन कोई 500 के लगभग जायरीन कल और परसों पाकिस्तान वापस आएंगे। कोई 300 के लगभग ओमान ने हमारे कैदी रिहा किए हैं, वो 16 और 17 तारीख को वापस आएंगे। और फिर 18 तारीख को मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और परवाज़ है, 200 लोग लेके आएगी। और इंडोनेशिया में हमारे बहुत देर से स्ट्रैंडेड कुछ लोग थे, वो एक खसूसी परवाज के जरिए 225 लोग 18 तारीख को वापस आएंगे। तो लगभग कोई 1950-2000 लोग इस तरह पाकिस्तान इस हफ्ते वापस आएंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल के हवाले से आपको बता दूं कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, जहाज़ों का अभी तक अंदरूने मुल्क परवाजें सवाए गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान और वापसी के, तमाम अभी सस्पेंडेड हैं और सस्पेंडेड ही रहेंगी। और आखिरी बात ज़मीनी बॉर्डर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, हम पूरा लाए अमल तैयार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे जो शहरी हैं वो वापस आ सकें। इंशाल्लाह जल्द ही वो भी आपके सामने उसकी तफ़सील रख देंगे जैसे ही वो फाइनल होंगी। और कल एक और खुशखबरी ये है कि भारत में हमारे जो कुछ लोग थे, भारत ने खुद लॉकडाउन कर दिया अपने मुल्क का, वो नहीं आ सक रहे थे। कल काफ़ी कोशिशों के बाद, वजारत खारजा की कोशिशों के बाद 41 पाकिस्तानी कल जो हैं वो वापस आ पाएंगे, कल सुबह वाघा बॉर्डर के जरिए, लाहौर के जरिए। और इसी तरह अभी कुछ और पाकिस्तानी वहाँ हैं, उनको भी जितनी जल्दी हो सका हम वापस लाएंगे। आखिर में मेरी एक इल्तिजा दोबारा आपसे ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हुकूमत ने इस वक्त नाफिज की हैं बाहर से आने वाले मुसाफरीन के लिए, उनको आप प्लीज फॉलो कीजिए, आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे पॉलिसी इवॉल्व होगी हम कवानीन को रिलैक्स करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 2000 पाकिस्तानी इस हफ्ते, 6000 से 7000 अगले हफ्ते से जो आएंगे, जितना हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे, लेकिन जहां आपकी जिम्मेदारी है वो आपको भी निभाना होगी। इंशाल्लाह जल्दी तमाम पाकिस्तानियों को हम वापस लाने में कामयाब होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।